हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पुणे। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का जो है कि एक नंबर से जो भी जहां तक हम लोग को हो पाएगा आधा घंटा या हो जितना देर में हो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग एक नंबर से देखने वाले हैं। एक नंबर का सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिया हुआ। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी है और कोण जो है कि उसका बी समकोण है। तो सबसे पहले मतलब समकोण है तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका त्रिभुज, ठीक है, और ये जो है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आप लोग गौर से देखेंगे वीडियो, ठीक है। ये एक कोण जो है कि कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होता है। ये आपका ए मान लीजिए, बोला है बी समकोण है, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो हम लोग को जो बोला गया था कि एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, ए बी जो है आपका ये जो 24 सेंटीमीटर आपका दिया गया है, ठीक है। ए बी 24 सेंटीमीटर दिया गया है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। ये जो है कि आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको ए सी निकालना है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालें, साइन ए कॉस ए, दूसरा में साइन सी और कॉस सी का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद ही कोई मान संभव होगा निकालना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ये दिया गया है, लिखेंगे प्रश्न से समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, सम कोण है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ए सी बराबर हम लोग को नहीं है मालूम, जो कि इसको निकालना है सबसे पहले। और हम लोग का क्वेश्चन है, एक नंबर में दिया गया है क्वेश्चन कि साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए, एक नंबर में क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए। तो हम लोग भली बात ही जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को थीटा कहाँ दिया गया है, ए पे, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला जो भी भुजा होता है, ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी कि पी कहलाता है। और थीटा के साथ में जो होता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, यानी कि आधार कहलाता है, ठीक है। तो और कर्ण क्या कहलाता है, जो उसके सबसे लंबी भुजा हो, समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग को क्या कहना है, एसी और हम लोग को क्या निकालना है, एसी निकालना है। सबसे पहले हम लोग एसी निकाल लेते हैं। एसी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला रूट अंडर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर क्या है, ए बी है आपका 24, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी सी आपका क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़िएगा तो अगर रूट अंडर 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, जब इन दोनों को जोड़िएगा तो रूट अंडर 625 आएगा आपको। उसके बाद 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25। तो आपका AC निकल के आ चुका है 25,
ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे देखिए कि यदि आपका थीटा यहाँ पे है, ठीक, तो आपका परपेंडिकुलर ये होगा और ये बेस होगा यानी कि आधार होगा, और ये कितना आया है आपका 25 निकल के आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है हम लोग का साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाय एच, तो पी बाय एच, पी का मान आपका है 7 और एच का मान क्या है 25, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है, कॉस ए बराबर क्या होता है, तो बी बाय एच होता है कॉस ए बराबर। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप निकाल नहीं पाइएगा, और अगर आप नहीं निकाल पाइएगा, अगर आप इसको नहीं निकालना जानते हैं तो इसको सिंपल तरीका से याद रखने का सूत्र होता है जो अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो आगे इसको बढ़िए, देखिए बी का मान क्या है आपका 24 और एच का मान क्या है 25, ठीक है, आपका निकल के आ चुका है। उसके बाद देखिए सेकेंड में क्या पूछा है कि साइन सी और कॉस सी का मान, तो साइन सी बराबर क्या होगा। अब देखिए कि थीटा यहां से उठा के, ठीक है, थीटा यहां से उठा के अब यहां पे कर दिया, ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं थीटा अब यहां पे आ गया है, वहां से उठा के थीटा को यहां दे दिया है, तो साइन सी बराबर देखिए अब क्या होगा। तो ये देखिए आप थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, और थीटा के साथ में जो रहता है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय एच, तो पी बाय एच, पी का मान आपका क्या है 24 बटे एच का मान क्या है 25, ठीक है। अब कॉस सी बराबर लीजिएगा तो बी बाय एच होता है कॉस बराबर, तो बी बाय एच, तो बी पी का मान क्या है, सॉरी आपका होगा बी, बी का मान क्या है आपका 7/25, ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर, एक नंबर हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को समकोण त्रिभुज में क्या करना है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और जहां से थीटा लिया गया है थीटा के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ में जो रहता है उसको आधार बोलते हैं यानी कि बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे लंब, और इसको क्या बोलते हैं कर्ण, इसको H से सूचित करते हैं, इसको P से सूचित करते हैं, और इसको B से सूचित करते हैं, ठीक है। H से इसलिए सूचित करते हैं क्योंकि इसका नाम हाइपोटेनियस है और इसका नाम बेस है और इसका नाम परपेंडिकुलर है, तो इसके फर्स्ट लेटर लिया जाता है। तो आइए आप लोग का एक नंबर खत्म हो गया। अगर यदि आपको साइन थीटा, यहां पे देखिए क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यदि इन तीनों का मान याद है तो ऑलरेडी कॉसेक सेक और कॉट का मान आप याद कर लेंगे। इसका मान याद करने का सिंपल तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसको बटे में कर देंगे। ये देखिए आपका साइन का मान हो गया, ये हो गया आपका कॉस थीटा का मान, ये हो गया आपका टेन थीटा का मान। तो ये आप याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल, तो मतलब आपको साइन कॉस टेन का मान ये हो जाएगा यार। और जब इसको पलटा देंगे, आप इसको पलट देंगे एच बाय पी, एच बाय बी और बी बाय पी, तो हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट का मान। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, आइए देखते हैं, और ये आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बोलता है आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, तो टेन पी और कॉट आर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले टेन पी और कॉट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्यू आर आपको मालूम होना चाहिए। इसमें आपको टेन पी पी क्यू दिया गया है और पी क्यू पी आर भी दिया गया है, तो क्यू आर आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए ये, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि कोण क्यू जो है आपका वो समकोण है, क्या है 90 डिग्री है और ये समकोण है, समकोण, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका पी क्यू दिया गया है, पी क्यू क्या है
12 सेंटीमीटर दिया गया है और आपका पी आर भी दिया गया है, क्या है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको क्यू और आर निकालना है तो जो कि मालूम नहीं है। और यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन है आपका टेन पी माइनस कॉट आर निकालिए, टेन पी माइनस कॉट आर निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका समकोण है, ये आपका समकोण है। सबसे पहले बोल रहा है टेन पी, तो जाइए सबसे पहले हम लोग क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर आपका ये है जो कि छोटी भुजा है, तो क्यू आर निकालने के लिए आपको इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो क्यू आर बराबर लिखेंगे रूट अंडर पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर लिखेंगे रूट अंडर 169 माइनस 144 बराबर लिखेंगे रूट अंडर 25 बराबर 5। तो आपका क्यू आर क्या निकल के आया है, क्यू आर निकल के आया है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, टेन पी, तो टेन पी, टेन पी, टेन पी, तो यहां पे आ गया आपका थीटा, यहां पे दिया गया है। तो बोले हैं कि थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा जो है वो पी होता है और जो साथ में होता है वो बी होता है। ये कितना निकल के आया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टेन पी बराबर क्या बताए हैं, अभी बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। ये हो गया साइन कॉस, ये हो गया टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय बी। तो लिखेंगे पी बाय बी, पी का मान क्या है आपका 5 सेंटीमीटर और बी का मान क्या है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालिए कॉट, कॉट आर का मान, अब देखिए थीटा यहां से हटा दिया गया है, ठीक है, थीटा अब यहां पे आ गया, थीटा यहां पे आ गया। हम क्या बोले थे कि जैसे कॉट का मान निकालना है तो बोले थे कि इसको पलट देना है, तो क्या बोले थे बी बाय पी, तो थीटा यहां है तो ये हो गया आपका बी और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पी और ये हो गया बी आपका, ठीक है। तो बोले थे बी बाय पी, तो बी का मान क्या है 5 बटे क्या हो गया 12, ठीक है। तो टेन पी माइनस कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट आर बराबर हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 बराबर, ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 0। तो यही हो गया आपका आंसर। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो